हरियाणा कांस्टेबल 2024। जी हाँ, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अप्लीकेशन फॉर्म भरना फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, कई बार कैंडिडेट डीबी में रिजेक्ट होते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से, फिर कहते हैं मैंने गलती क्या कर दी, क्योंकि ये चीज़ें आपको एट दैट टाइम आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, गलती ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्या करते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, अथॉरिटी एक ही इशू करेगी लेकिन दोनों का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखने वाली आपको बात है और ये जाननी भी जरूरी है। और यही कारण है कि सेम वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक दिया गया, पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, ये जो आपको पॉइंट नंबर 6.4 देखोगे, इसको पूरा पढ़ो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, जो प्रोफार्मा नीचे आपको दिया गया है, वैलिड फॉर द ईयर इन विच कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन वाइड, ये पूरा डेटा पच्चीस दिन। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, अब लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका इशू होता है विल नॉट कंसीडर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट, मतलब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर उसमें इनकम का जो है वो आपका इन रिस्पेक्टिवनेस, अगर आप वहाँ पे है अलग इनकम अगर वहाँ पे आपकी इशू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के थ्रू, तो वो जो है वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वही ले जाएं। फॉर्म के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके उस पर करवा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, वो सर्टिफिकेट कोशिश करो मार्च में ही बनवा लो, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट आपका है वो अगर आप अभी बनवा लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट में जो आपका AY लिखा है 2023-24 लिखा है, मतलब वो जो सर्टिफिकेट नीचे दिया गया है वो 31 मार्च के पहले पहले बना आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट ईयर का ले जाओगे 1 अप्रैल के बाद बनवाओगे तो वो 2024-25 का हो जाएगा, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी 31 मार्च के पहले पहले सर्टिफिकेट जाके बनवा लें, नीचे आपको नोटिफिकेशन के फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अलग से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाके आप अपना फॉर्मेट पिन कर दूंगा मैं, तो पिंड मैसेज में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर जाके आप पूछ